أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल वेंटिलेटर। तो वेंटिलेटर वेंटिलेशन से ही निकला है। वेंटिलेशन मतलब गैसेस एक्सचेंज नोज टू लंग्स। आर्टिफिशियल वेंटिलेटर की क्यों ज़रूरत पेश आती है? जब कोई पेशेंट जो है उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है तो या तो उसको रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर हो जाती है जिस वजह से उसके लंग्स काम करना छोड़ देते हैं, तो उनको आर्टिफिशियल वेंटिलेटर की ज़रूरत पेश आती है। अब ये एक मशीन होती है, ये आपको मशीन दिखाई दे रही है, जो क्या करती है, ऑक्सीजन रिच इज एयर इज़ डायरेक्टली सप्लाई टू द ट्रेकिया थ्रू ट्यूब इंसर्टेड। अब यहाँ पर देखें एंडो मैकेनिकल वेंटिलेटर दिखा रहे हैं, इसके बाद दिखा रहे हैं एंडो ट्रेकियल ट्यूब। ये एक ट्यूब है जिसका नाम है एंडो ट्रेकियल ट्यूब। ये यहाँ पर आप देखें ये नोज टू ट्रेकिया पूरी जा रही है, जैसे हमारा नोज टू ट्रेकिया पूरा विंड पाइप है, ठीक है, ये माउथ से लेकर विंड पाइप तक जा रही है। इसके बाद नेसो गैस्ट्रिक ट्यूब, इसके बाद एक और ट्यूब होती है जो नोज से लेके पूरी स्टमक तक लेकर जाई जाती है और इसको डील करने के लिए एक नर्स भी होती है जो चेक करती रहती है पेशेंट की कंडीशन को। और यहाँ पर देखें एयर फ्लो टू द पेशेंट थ्रू ह्यूमिडिफायर विच वार्म एंड मॉइस्चर। अच्छा, ये यहाँ पर जो आपको ये जो ट्यूब नज़र आ रही है, यहाँ से एयर जब उसके अंदर पेशेंट में जा रही है तो क्या होगा, हम जब सांस लेते हैं तो हमने खुद भी देखा है कि नोज से जब एयर अंदर इंटर होती है माउथ में नेजल कैविटी की तरफ जाती है, नेजल कैविटी में तो ट्रेकिया की तरफ, तो यहाँ पर एयर जो होती है फिल्टर भी होती है, वार्म भी होकर जाती है। तो अब ये तो आर्टिफिशियल काम हो रहा है, तो फिर मशीन की ये जो ट्यूब है इसके ज़रिए ही एयर वार्म करके भेजी जाती है। इसके बाद ये एक और ट्यूब नज़र आ रही है जो आउट कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड को, एक्सहेल मतलब आउट करना, ठीक है। पेशेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज़ कर रहा है वो हो रही है। और यहाँ पर हमारे पास जो हमने देखा एंडोट्रेकियल ट्यूब में ये लिखा हुआ है ना माउथ एंड इन टू द विंड पाइप, तो यहाँ पर जो हमारे पास जो ट्यूब है यहाँ से हमारी ऑक्सीजन इंटर हो रही है। तो ये था आर्टिफिशियल वेंटिलेशन प्रोसेस। और आपको कुछ पूछना हो, समझना आया हो तो आप पूछ भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।